अभी जीदी पे एक जगह होती है यहाँ पे स्टे किया जाता है, मतलब स्टे वहाँ से फिर जीप्स वगैरह पे जाते हैं। तो जीप आ गई, बस अब हम निकल रहे हैं और आगे 5-6 जीप्स वगैरह और प्राडो वगैरह तो निकल गई हैं, अब हम निकल रहे हैं बस। और कमांडो एक्शन होगा, ये 7 घंटे के ये ऑफ रोडिंग है, देखते हैं ऑफ रोडिंग कैसा एक्सपीरियंस रहता है। Yes, father, are you ready for off-roading? Full desi. अभी पता चलेगा, full desi. नहीं नहीं सब आएंगे, सब आएंगे इसमें। हमारे ऊपर खोल के फेंको मुर्गियाँ, खोल के फेंको। ये देखो, what's it? इधर जगह नहीं है। अबे बांध दो टेडी करके। इसको बांध दो। बांध दो टेडी करके। यू करके लटकाओ ना यहाँ से, रस्सी बांधो उसको। यार ये ऊपर ऊपर बांधो ना, ऊपर 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 छत पे बांधो, छत पे छत पे छत पे। हाँ ये बात भी सही है। चलो अच्छा बांधो। रास्ता तो तकरीबन 6-7 घंटे ऑफ रोडिंग है, और इस रास्ते में बीच में छोटी छोटी जगहों पे ऐसी भी हैं, तो मतलब कि छारो जो खुद है वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल माइंड में चल रहा है उसके, तो ड्रोन के शॉट भी आपको दिखाएंगे। तो देखते हैं अभी अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये निकले थे ना, अच्छा सीधी से जो निकले थे वो जो रास्ता था, वो जो एक वैली टाइप का जिसमें हम रास्ता स्टार्ट किया है छारो के लिए, वो कोलाची है। और कोलाची क्योंकि एक्चुअली ना छारो मैप पे मिल नहीं रहा था, वैसे मैंने भी देखा था, मुझे पता नहीं क्यों मिल नहीं रहा था। तो कोलाची का रास्ता है, कोलाची के बाद क्या आएगा, कोलाची के बाद गाज, कोलाची के बाद गाज आएगा, और गाज के बाद छारो आएगा। हाँ गाज के बाद छारो आएगा, और छारो 6 घंटे की तो ट्रैकिंग, मतलब ये पूरा हमारा है ये रास्ता 6-6.5 घंटे का, तो इतना लंबा जो है ये कोलाची घास पे छारो। चले अभी तक तो कोलाची ख़त्म नहीं हुआ, नहीं हुआ, अभी देखते हैं कब तक कोलाची ख़त्म होगा, फिर आगे घास शुरू होगा। सामान जो हमारी मुर्गियाँ हमारे साथ चल रही थी, उनमें से 2 तो फौत हो गई हैं। यार धूप भी बहुत है, गर्मी बहुत है, और फिर वो इलाके जगह भी इतनी दूर है। अभी हम सफ़र करते करते हमें भी तकरीबन कोई 5 घंटे तो हो गए, स्टिल अभी बता रहे हैं कि 3-4 घंटे का रास्ता है। चलो देखते हैं। उनका हल ये निकाला है कि जो जिंदा रह गई थी हमने उनको काट दिया, उनको ज़िबा कर दिया, तो इसलिए कि वो भी फिर हमारे लिए हराम ना हो जाए, मतलब मर ना जाए, ज़ाया ना हो जाए, तो हमने उसको उनको कुर्बान करके हलाल करके रख दिया है, अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो ये सीन है,
ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर बलूचिस्तान आया और ये नहीं पीना, ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन मिलती सिर्फ ये कुन मलीर की साइड बंदर की तरफ है, तो वहाँ से लेके आए हुए थे। बहुत मज़े की है ये, ईरानी लस्सी खिलाती है एलिस। चेक दिस माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये। चेक दिस, ये अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों कैसा है ये जो मंज़र है ना, ये मंज़र आपको सिर्फ़ और सिर्फ बलूचिस्तान में और मतलब कि ऐसे एरियाज में जाके मिल सकता है अगर आप बाहर निकलेंगे तो। कराची में तो ऐसा कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको, मैं यहाँ पर हमारे साथ जो ट्रिप में है इनसे मिलवाता हूँ। कौन, वैसे आप इनसे मिल चुके होंगे पहले, मैं आपको वीडियो में दिखा चुका लेकिन वो नाइट थी और कुछ चीज़ें आपने देखा। ये भाई हम व्हाट्सअप गाइस, हम सब एडवेंचर करने के लिए निकले हुए और मैं हिच एडवेंचर वो बहुत मतलब के सही, हम इसके लिए तैयार थे, हम रेडी थे, वैसे हम रेडी थे, हम ऐसी जगह ही जाना चाह रहे थे और ऑफकोर्स ये बहुत ग्रेट एडवेंचर है। तो हम यही कहेंगे आप वीडियो देखेंगे और आप ज़रूर इस जगह पे आएंगे, आपको बहुत दिल चाहेगा। अभी तो सिर्फ हमने रास्ता दिखाया है, वहाँ पहुँचने के बाद जो चीज़ है वो तो फिर अलग ही। पहुँचेंगे तो पता चलेगा, लेकिन आसान जगह नहीं है पहुँचने की। रियल गट्स एंड रियल एडवेंचर्स पे रहे तो भाई, कहते हैं बॉन्डिंग कर ली, हम पीछे बैठे रहे 5 घंटे के लिए। वो तो आपने देखा था हम लोग किस तरह बैठे हुए थे। खाना भी कैसे पहुँचता है, ये खाना आ रहा है, ये हमारा खाना मगर आ रहा है। मगर ये हमारा खाना नहीं है फिलहाल, जानवरों का खाना है, हमारा खाना तो उस गाड़ी में। ये सीन है, इंशाल्लाह आपको फिर दिखाएंगे। हाँ तो भाई फ्रेश हो गए, यहाँ पे खाना तैयार हो रहा है। अभी यहाँ पे थोड़े से कैंप वगैरह लगा लिए हैं कि खाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे तो, मैं कल 1 बजे निकला था, अभी 6 बज रहे हैं, तो मुझे 24-30 घंटे हो गए हैं चेकिंग करते हुए। और बाकी ये लोग भी तकरीबन कोई 18-18 15-15 घंटे से निकले हुए हैं। ये है, बाकी देखते हैं आगे चलते हैं, अभी खाने का इंतज़ार है। अभी कंडीशन ये है कि हम हाफ रास्ते पे जीदी से जो अंदर हम आए थे, 90 किलोमीटर का रास्ता था, हाफ रास्ते पे हमने खाना वाना खाने के लिए रुके थे। और इस वक्त अभी कोई रात में खाने 10:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं और आगे भी 3.5 घंटे की ड्राइव और है, तो बस अभी निकल रहे हैं। सब कैसे आ रहा है चारो? आ जाए सर, आ जाए। तो आप हमारा छोड़ें, वीगो को देखें, ये वो रास्ता जहाँ वीगो भी सांसें ले लेके चढ़ रही है। गाड़ी खराब है।
दूसरे भाई गाड़ी भी टूट गई। चलो भाई हमारी गाड़ी का तो मसला ही हो गया, अल्लाह खैर करे। अच्छा टायर चेंज करना है, चलो आगे करो आगे आगे। अब ऐसा करेंगे मड़िए ये रोशनी भी तो नहीं है बंदा, मेरी एक वही लाइट है जो सारा बनती है। यहाँ पे हुआ ये है कि अभी हमारी जो गाड़ी है ना उस वो बिल्कुल एक्सट्रीम ऑफ रोड पे बहुत अजीब ही वो जगह थी मोड़, तो वहाँ से मुड़ रही थी तो अगेन उस पर जंप ऐसे आया वो उसका टायर का मसला आ गया। और हमारे साथ जो दूसरी गाड़ियाँ थी वो हम साइड पर रुके, लेकिन वो गाड़ियाँ दूसरी स्पीड में ऐसी निकली कि वो समझे कि हमें कोई इशू नहीं हुआ, बस हम साइड पर रुके हैं। तो भाई अब हम हो गए अकेले, और इस अकेले में पीछे गाड़ी वही हमारी खड़ी हुई है, और बस अब हम अकेले देखते हैं। हमारी गाड़ी में मसला है कि शायद वो जैक भी सही नहीं है, गाड़ी के टायर का मसला हुआ है, और अब देखते हैं क्या करते हैं। वो कर रहे हैं कुछ, करने में लगे हैं, जुगाड़ हैं। देखो पाकिस्तानी है, जुगाड़ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब आगे देखते क्या होता है, या तो रात यहीं रुके गुजरेगी और शायद हम अपनी लोकेशन पे भी ना पहुंच सकें छारों पे, और वापसी पे वो लोग आएंगे तो दिख जाए, या फिर कल कोई और आ रहा हो तो वो हमें शायद ले जाए छारों तक, बाकी कुछ पता नहीं है। चले ओ भाई, बात कुछ ऐसी है कि टायर में मसला है, जैक भी नहीं है, और अभी जुगाड़ कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ जुगाड़ से कुछ होगा। लेकिन यह है कि बहुत टफ है, सब आगे निकल चुके हैं, यहाँ पे कोई और बंदा आ भी नहीं रहा। अब तो रात भी अच्छी खासी हो गई है, बीच में थोड़ा सा आसरा दिया था लेकिन वो फिर नहीं चली, तो देखो अल्लाह खैर करे। Thank you.